राम गोपाल यादव की किताब के विमोचन में बोले मुलायम सिंह यादव, कहा सभी समाजवादी एक हैं, देश के सामने चुनौती आई तो सब एक हो गए, लेकिन नहीं लिया शिवपाल यादव का नाम। मैंने देख लिया लोकसभा में जब बहस हुई है तो एक हो गए सब के सब, पूरे तरीके। प्रोफेसर राम गोपाल यादव की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का बयान, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, इस सवाल को लेके आज हमारा देश एक साथ है। कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में जेपी नड्डा का विरोधियों पर निशाना, कहा हमें भारत को जोड़ने वाले सरदार पटेल पर भरोसा, विरोधी आज भी जिन्ना के सहारे। अमरोहा में बेरहम मौलाना का पत्नी की पिटाई करते वीडियो हुआ वायरल, मामूली कहासुनी को लेकर पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद, खून से लथपथ महिला को स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा, अमरोहा के थाना गजरौला के नवादा गांव का मामला। अमेठी में ससुराल पहुंचे पति ने घर के बाहर पत्नी को डंडे से जमकर पीटा, पति की पिटाई से पत्नी की मौके पर हुई मौत, घटना के बाद भाग रहे पति को ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा, मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे पति को किया गिरफ्तार, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यालय का हुआ उद्घाटन, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कानपुर से किया वर्चुअल उद्घाटन, नड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित, प्रतापगढ़ समेत 7 जिलों में बनाए गए भाजपा कार्यालय। गोंडा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोंडा प्रतापगढ़ सहित अन्य जिलों के नवनिर्मित पार्टी कार्यालयों का किया वर्चुअल उद्घाटन, गोंडा चुनाव प्रभारी मंत्री अविनाश सिंह ने उद्घाटन से पहले कार्यकर्ताओं के साथ किया हवन पूजन, नारियल फोड़कर कार्यालय में किया प्रवेश। हरीश रावत के राजनीतिक स्थिरता को लेकर किए गए ट्वीट के बाद उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हलचल हुई तेज, हरीश रावत ने एक ट्वीट करके लिखा कि मेरे मन में हमेशा शंका रहती है कि राजनीतिक स्थिरता कैसे पैदा हो। कोटद्वार में कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक निजी वेडिंग पॉइंट पर इकट्ठा होकर निकाली पदयात्रा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में निकाली गई पदयात्रा में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। महंगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत पूरे प्रदेश में निकाल रहे पदयात्रा, सोमवार को हरिद्वार के खानपुर विधानसभा क्षेत्र के बाद हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में पदयात्रा निकालकर जताया विरोध। देवस्थानम बोर्ड के मसले पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर बोला हमला, भाजपा पर आरोप लगाते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का कानून जबरदस्ती प्रदेश पर थोपा है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह उनके साथ है, बोले सत्ता में आने पर कानून भंग करने की जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे।